स्थानीय सरपंच साहब, जिला परिषद सदस्य गण, पंचायत समिति का मेंबर बैसुखा राम जी, माके आईटी सेल का जिला अध्यक्ष, और उपस्थित सगले गणमान्य व्यक्तिगण जका मंच माते विराजमान है। हमारे सामने उपस्थित गांव गैनाना का आस पास उपदारियोड़ा माता मां बहना बड़ा बुजुर्ग नौजवान साथिया, थोड़ा दिन पहले आपके बीच में आऊं तो मौको मिलियो मने गैनाना में तो नहीं पर ग्वार के अंदर ही करके गए थे प्रोग्राम, तो आप अपने आ गया, मैं वोट मांग गया मुकेश के, बिल्कुल। तो मैं आप लोगों ने वही क्यों कि भाई पहली बार आवे आप लोगों के बीच, काम तो हमारे साथ करोड़ो है और आप बात को विश्वास करियो कि भाई एक नुआ टावर ने अब कल मौको देर देखा कि भाई एक जुजारू आपने एमएलए मिल जावे, मां जावनी बनाया और आप लोग विश्वास कराने घना ही घना वोटा जीता है, उसी के वास्ते आप लोगों को धन्यवाद करनी चाहूँ हमारी तरफ। और आप जानो कि वोटा को टाइम हो जावे जना एक चुनाव पे दूजा और दूजा पे तीजा आ जावे, अब बार एमपी का चुनाव आए अभी के पे पंचायत समिति का लोकल अपने सरपंच का चुनाव आ जाए तो वे माकालो भी टाइम आएगा। 2009 में पहली बार आया, घना ही वोट दिया और लाडनो ने पहली बार मौको मिलियो कि नागौर में सांसद के आपका वोट ला गया। दूजी बार आया तो वोट तो घना ही दिया, 2009 में जितना मिल गया भी बता वोट मिल गया मुझे लाडली बार, पर कहीं हुए कि थोड़ा माहौल एम को हुई गो भी टाइम, हवा चाल गई, रांधी चाल गई, राज पलट गो और कई चीजें हुई थी एक साथ, तो थोड़ा मामला 19-20 रह गया। वोट तो घना ही दिया पब्लिक, पर एमपी बन रहा आपका दिल्ली कौन पूछ सके, अरे अगर फिर चुनाव आएगा तो औपचारिक घोषणा तो हुई कोनी पर घना ही अपने पार्टी टिकट तो देते ही मने, पर घना ही कहीं सांप और गोयरा और बिच्छू घना ही लागे है। हाँ बाता तो सगली चाल रही है बात, पर कहीं हुआ कि बिल में बढ़न को टाइम आवे नहीं जना सरप भी सीधा हो जावे, बहन तो कहन चाली एन चाली, बिल में भरन को टाइम हो जाना कहन चाले सर सीधा होने पड़े भी नहीं, तो कई तो सीधा उग जाए मार ख्याल टिकट आए जाना, पर मारो विश्वास नेताओं छोड़ पब्लिक माते ज्यादा भाई लाडली बार भी एन का माहौल में पब्लिक घना वोट दिया तो मैं तो वही मानू कि भाई मारी पब्लिक में तो जीत थी। 3,33,000 2009 में मिलिया, 3,40,000 वोट एन का माहौल में मिल गया तो इन आशीर्वाद ही मानो और कहीं कह सके। मैं गुरुजी इसीलिए बोल रही हूँ कि मतलब मुझे ये गिला शिकवा कहीं पर भी नहीं था कि पब्लिक ने साथ ना दिया, लेकिन इस बार क्योंकि माहौल बिगाड़ने वाले आए नहीं आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मेरा आप लोगों से एक ही हाथ जोड़ करके निवेदन है कि पार्टी वाले वोट पड़ेंगे मई में, उसके लिए अगर मौका मिलता है तो आप लोगों का बीच में हाजिर होंगी, आप लोग अपना जरूर से एक मौका लगेगा गैनाना में तो एक बार वापस चक्कर काट करके जाऊंगा। कार्यशैली आप लोगों ने देख रखी है, 5 साल जब काम करे थे मैंने सब जगह यही बोला था कि पहला वोट मैं बाबा के नाम से मांग रही हूं, इस क्षमता के अनुसार एक पहली बार का सांसद होकर के काम करवाने का प्रयास कर, चाहे वो नागौर के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या थी मीठे पानी की, वो नहर का पानी लेकर के आना जिसका कार्य अभी भी चालू है और भी धीरे धीरे गांव ढाणी तक पहुंचेगा, लेकिन उसकी वित्तीय स्वीकृति करा के पैसे फंड करवा करके चालू करवा देना वो मेरी समझ में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी एक पहली बार के सांसद के लिए जो दिल्ली पहुंचा। और ऐसा नहीं है कि कोई ये कह दे कि भाई ये एक किसी व्यक्ति विशेष या एक जाति विशेष के लोगों के लिए था, ये ऐसा काम था जो पूरे जिले के अंदर जब मीठा पानी आएगा तो उसका सभी लोगों को फायदा होगा, चाहे किसानों की बात रखने की बात हुई हो तो कोई ये नहीं कह सकता कि भाई दिल्ली जाकर के और नींद लेना शुरू कर दिया था हमारे सांसद ने, तो नुआ नुआ चौकीदार बनोनिया तो अबे आया है, पर माने जा की चौकीदारी पकड़ा ही मैं घड़ी जोरदार कर रहा है चौकीदारी आप, तो चाहे वो महिलाओं से संबंधित मामला हो, ओलावृष्टि उस टाइम पर सरकार ने ओलावृष्टि को गाइडलाइन में से निकाल दिया था कि अगर ओले पड़ेंगे
और उसको आपदा प्रबंधन जो पैसे आते थे होम मिनिस्ट्री के अंदर हुआ करता था, और वो पैसे उन्होंने वो फंड हटा दिया था कि अगर ओले पड़ेंगे तो उसको हम आपदा नहीं मानेंगे। तब मैंने यहाँ से चिट्ठी लिखवा करके और होम मिनिस्ट्री के अंदर जा करके वो कानून चेंज करवाया था, उनकी गाइडलाइन बदला दी थी ये कह करके कि चाहे कहीं पर अकाल की वजह से या ओलावृष्टि की वजह से अगर आपदा पड़ती है तो उसके अंदर जो एटलीस्ट जो जितना सामान हमारा सामग्री लगी है उसका पैसा जरूर किसान को मिलना चाहिए। तो एक जागरूकता का नमूना है। बहुत सारे काम थे छोटे बड़े जो कभी मौका लगेगा जब आप लोगों के बीच में वापस हाजिर होंगे तब बताऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को ऐसी शिकायत का मौका दिया हो कि भाई ज्योति ये हमारे लिए तुझे रुखाली करनी थी और तूने दिल्ली में नहीं करी। तो कोई ज्यादा लंबी बात करते हुए नहीं, आगे हमारा एक कार्यक्रम है। कालू जी गेनाना साहब ने हमें कहा था कि भाई गेनाना में जब प्रोग्राम रखूंगा मुकेश जी का तो आपको जरूर आना पड़ेगा, तो आपके गांव से एक विशेष प्रेम बना रहा है हमेशा। तो कालू जी की और गांव वालों की बात का मान रखते हुए आज हम आप लोगों के बीच में हाजिर हुए, और जो आदर सत्कार के साथ में आपने हमें शॉलें और इतनी भारी इतनी सुंदर मालाएं पहनाई उनके लिए आप सब कतई दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साफ है तो इतने बंधा दिए कि मैं तो कहने वाली थी शंकर जी को कि दो दो हमारे साथ भी बंधवा दो, रुक ही नहीं रहे थे। वो कह रहे थे नहीं और लो पकड़ के लाओ, इसको भी पहनाएंगे उसको भी पहनाएंगे। तो बहुत मान सम्मान आपने सभी लोगों का जो हमारे साथ पधारे उनका करा, यहाँ पे पधार के सभा को सफल बनाया, हम सबकी बातें बड़े शांति के साथ में सुनी। उन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए, और क्योंकि अब जल्दी टाइम आ जाएगा वापस आप लोगों से मिलने का, उस टाइम पे आप लोगों के बीच में हाजिर होंगी, और तब तक रुखाली करने का काम अब की बार अब आप लोगों का है, और मौका मिला तो आगे रुखाली का काम वापस से मेरा होगा। राम राम, धन्यवाद।